नमस्ते दोस्तों, केम छो मजा मा। मैं संजय, न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा देसी हिबिस्कस, रेड वाला सिंगल पेटल कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रेसिना प्लांट। आज मैं ड्रेसिना प्लांट की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। इसकी कटिंग मैंने लगाई थी कम से कम 1.5-2 महीना हुआ, और एक कटिंग 15-20 दिन पहले, 2 कटिंग लगाई थी साथ में। उसी की अपडेट दूंगा आपको, और प्लांट को रिपोर्ट कैसे करें, कैसी सॉइल मिक्स बनाएं, उसी के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा, उसकी क्या टिप्स के बारे में। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम ये देखिए, ये ड्रेसिना की कटिंग है ग्रीन वाला। ये वाली कटिंग लगाई लगभग 1.5 महीने जितना हुआ है, 1.5-2 महीना उतना ही हुआ है, 1.5 महीने जितना इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। पहले मैंने 4-5 पत्ती रहने दी थी, ये सब नई पत्ती आई है। और ये कटिंग लगाई इसको 15 दिन हुए, 15 दिन के आसपास ही हुआ है। ये 3 कटिंग लगाई, एक ही पूरा बड़ा था प्लांट इसमें, नहीं ये दो एक थी और ये छोटी वाली अलग से मैं तोड़ी थी, तो ऐसे करके मैंने अलग अलग लगा दी। तो आज सब कटिंग मैं निकालने जा रहा हूँ, आपको अपडेट दूंगा कि इसमें कैसे रूट्स आई है, और इसको रिपोर्ट भी करूँगा मैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको सॉइल मिक्स दिखा देता हूँ मैं, क्या सॉइल मिक्स में बनाई है मैंने। देखिए ये वाली सॉइल मैंने अभी बना के मिक्स कर दिया है। तो इसमें पुराने गमले की मिट्टी है, उसमें मैंने 30% रिवर सैंड मिलाई है, और 20% के आसपास ये चावल की भूसी आती है वो मिला दी है, और बाकी 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल है। जो हमारी मिट्टी थी पुराने गमले की, उसी में 30% गार्डन सॉइल थी, और 20% के आसपास मैंने रिवर सैंड मिलाई है, और बाकी गोबर की खाद मिलाई है 20% के आसपास। तो आप जब भी प्लांट लगाओ तो अपने हिसाब से थोड़ी मिट्टी बना दीजिए। आपकी मिट्टी कैसी चिकनी है, किस हिसाब से, उसी हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन सॉइल और बाकी खाद वाद मिलाइए। ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन सॉइल थोड़ी ज़्यादा मिला दीजिए, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो देखिए हमारा सॉइल मिक्स कैसे अच्छे से तैयार हुआ है। तो ये सॉइल मिक्स मैंने बना के तैयार रखा है। चावल की भूसी इसीलिए डाली क्योंकि इससे गमले में वजन भी कम होता है, और ये मॉइस्चर को बना के रखते हैं। मेरे पास कोकोपीट नहीं रहता, अवेलेबल नहीं है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर अपने प्लांट्स में। अब जो चावल की भूसी आती है, जो धान की, वही जो पुरानी पड़ी हुई है, वो बारिश में पड़ी पड़ी थोड़ी सी सड़ गई है, तो बहुत अच्छा खाद भी बन गई है। तो चलिए ये कटिंग मैं धीरे से अब निकाल लेता हूँ। पहले ये वाली कटिंग निकालता हूँ कि इसमें रूट्स आई है कि नहीं। इसमें तो हाँ, देखिए ये ये 15 दिन की अपडेट है। देखिए आप, ये एक कटिंग, और ये वाली कटिंग, इसमें रूट्स नहीं आई और एक में आई है, और ये तीनों 3 कटिंग मैंने साथ में लगाई थी, तो एक में ही रूट्स आई है, बाकी 2 में नहीं आई है। बाकी 2 तो मैं इसी क्लास में वापस लगा दूंगा। और ये देखिए, और अब ये जो 1.5-2 महीने पहले लगाई उस कटिंग, तो निकालते हैं। एक मिनट में कटिंग निकाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो मैंने पूरा गमले के इससे देखिए पूरी जो रिवर्स एंड आती है उसी में लगा के रखी थी। तो देखिए कितने अच्छे से रूट्स आ गई है। ये देखिए 2 महीने का अपडेट है। ये देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी रूट्स हो गई है। तो इसी प्लांट को मैं आज इसको अब रिपोर्ट कर दूंगा गमले में। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने पॉट लिया है, 6 इंच का पॉट है मिट्टी का,
इसी में मैं रिपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ नीचे ड्रेनेज में ठीकरी रख देंगे हम, ये देखिए ठीकरी से कवर कर लेंगे ताकि हमारा ड्रेनेज होल गमले का बंद ना हो और जब भी ओवर वाटरिंग पानी ज़्यादा पड़ जाए तो ड्रेनेज से पानी बाहर निकल जाए। और जब भी मैंने सॉइल मिक्स बनाया है उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर डाल दूँगा ताकि फंगस ना लगे प्लांट में। ये देखिए ये मैंने मिट्टी ज़्यादा बनाई है, दूसरा प्लांट भी मुझे रिपोर्ट करना है पर पहले ये प्लांट को रिपोर्ट कर दूंगा, इसीलिए मैंने आधे चम्मच के आसपास फंगिसाइड पाउडर मिलाया है इसमें और जितनी मिट्टी चाहिए मुझे उसी में मैं मिक्स करूँगा। अच्छे से मिक्स हो गया है और ये प्लांट की जो रूट्स है उस पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल दिया है। गमले में पहले थोड़ी सी मिट्टी भर लेंगे हम। ये देखिए आप जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें, अगर आपका प्लांट छोटा है तो छोटा ही गमला रखिए ताकि प्लांट को ग्रोथ करने में कोई डिस्टर्ब ना हो। ज़्यादा बड़ा गमला होगा तो कभी कभी आपको ज़्यादा पानी दे दोगे तो उसमें क्या है प्लांट ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए गमला छोटा ही रखना चाहिए जब प्लांट छोटा हो तो। ये देखिए ये प्लांट को मैं इसी तरह रख दूँगा और मिट्टी डाल दूँगा। अब मैं मिट्टी भर लेता हूँ प्लांट में। ये देखिए ये लगा दिया है। अब जो दूसरी कटिंग है जिसमें रूट्स आई वो भी मैं इसी के साथ लगा दूंगा। ये देखिए ये वाली इसमें छोटी छोटी है, अभी 15 दिन का अपडेट है इसका। तो देखिए ये देखिए कम्प्लीटली प्लांट हमने लगा दिया है। अब इसको पानी देके हम शेड वाली जगह पर रख दें, वैसे मैं इंडोर ही रखता हूँ इसको, तो इसको पानी दे देंगे अच्छे से एक बार और इसे शेड जगह पर रख देंगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप जब भी इस प्लांट की कटिंग लगाओ तो जो रिवर्स एंड आदि कंस्ट्रक्शन वाली ये देखिए उसी में लगाना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने उसी में अभी ये कटिंग दोनों में वापस उसी में लगा के रख दूंगा कि इसमें रूट्स आ जाए। ये देखिए तो ओके फ्रेंड्स बाय।